हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप इन्हें जानते होंगे, हमारे अजीम भाई है, ठीक है, और ये हमारे शुभम भाई है। अभी आपकी बहुत रिक्वेस्ट आई हुई थी कि भैया साइकिल की वीडियो बनाओ, बनाते हुए की वीडियो बनाओ, फिटिंग करते हुए की वीडियो बनाओ। आज हम ही उसी पर्पज़ से ये वीडियो लेके आए हैं। अभी अभी हम आपके सामने साइकिल की फिटिंग करेंगे और अभी आप सभी देखना। सो गाइस, अभी मेरे बड़े भाई आपको साइकिल फिटिंग करके दिखाएंगे। और ये साइकिल का फ्रेम है, आप देख सकते हो, रेड कलर का फ्रेम है साइकिल का, ये उल्टा रखा है वैसे तो। और अभी पार्ट बाय पार्ट एक एक पार्ट का नाम भी बताएंगे। ओके सर। सो गाइस, अभी हम आपसे भाई से बात करवाएंगे, भाई से पूछेंगे क्या सामान है क्या नहीं है, वो अभी आपको खुद बताएंगे। ये है बैक वाला रियर हब, जो हमने खुद यहाँ पे डिजाइन करके इसको तैयार किया हुआ है। अभी इसकी इंस्टॉलेशन होने जा रही है, अभी हम इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने पल्सर 150 का डिस्क ब्रेक यूज़ किया हुआ है। ये हमारी डिस्क ब्रेक लगी हुई है, ये हमारा जो होल सेंटर है ये टायर के हिसाब से है हमारे, और बाकी ये हम फिटिंग फोल्डिंग सिस्टम ऐसा भी अगर हम आप कहीं पर भी मंगाना चाहते हो। सो गाइस, हमारा बैक साइड वाला रियर हब रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो सभी। तो गाइस, ये हमारा फ्रंट वाला चिमटा है अगले साइड का, तो अभी इसमें हम हब फिट करेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला हब है, इसमें हमने साइकिल का ब्रेक यूज़ किया हुआ है, ये कार से चलेगा। बाकी हमने इस पर ना निशान लिए हुए हैं, तो अपनी फिटिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। देखो, ये सेंटर पंच, एक सेंटर पंच इसके बैक साइड में लगा पाएगा, इधर ये रहा। तो अब इसकी फिटिंग आमने सामने करो तो आपके होल सेंटर सभी मैच हो जाएंगे। सो गाइस, अगले वाला हब चुका है, आप सभी देख सकते हो, ये बड़े भाई ने हब लगा दिया है। देख लो, नीचे भी 4 बोल्ट हैं और अभी ये टायर वाले भी यहाँ पे बोल्ट आएंगे। टायर वो ये रख गया टायर, ये टायर हमने बिल्कुल मॉडिफाई कर रखा है अपना। 14 टायर नंबर हम यूज़ करते हैं साइकिल में, स्विफ्ट गाड़ी के या i20 के, अपोलो के हम टायर यूज़ करते हैं इसमें। वे भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, देख सकते हो आप। आपको हर एक चीज दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप, और एड्रेस हमने अपना लोगो भी लगा दिया है, मैन्युफैक्चर बाय ABS इंजीनियर वर्क्स पानीपत हरियाणा, ये हमारा एड्रेस है यहाँ का। सो गाइस, चैन भी आ चुकी है अपनी, आप सभी देख सकते हो चैन, देखो। ये हमारी फ्रंट वाली चैन। तो गाइस, कभी आप सभी के मन में ये सवाल आता हो कि भाई हल्का माल लगा दिया, जो भी हम सामान यूज़ कर रहे हैं एकदम हैवी साइकिल का यूज़ कर रहे हैं, सभी सामान हमने ऑर्डर से मंगवाया हुआ है, ये नहीं कि गए और उठा के ले आए। सभी सामान हैवी चैन है, हैवी गियर सेट है, रियर और फ्रंट वाला। तो गाइस, हमारी चैन लग चुकी है, अगले वाली चैन भी लग चुकी है, आप सभी देख सकते हो, अगले वाला पैनल है और ये चैन पीछे वाली चैन है। तो गाइस, ये देखिए, अब हम चैन कवर भी लगाया हुआ है हमने, और सभी बोल्ट हमने इम्पोर्टेंट यूज़ किए हुए हैं, ये आपने शायद कहीं देखे भी नहीं होंगे। देखो, जो कि इसकी लुक को चार चांद लगा देते हैं।
ये इस बोल्ट की चाबी है, इसको यहाँ पे ओपनर बोलते हैं। सो गाइस हमने अपनी साइकिल का फ्रेम घुमा दिया है, आप देख सकते हो चैन कवर भी लग चुका है यहाँ पे, वो पैर में नहीं लगे चैन, इसलिए आप सभी देख सकते हो सब चीज़ ओके है, अलाइनमेंट बिल्कुल सीधी है अपनी साइकिल की। यहाँ पे स्टैंड भी लगेगा, जो स्टैंड आप देख सकते हो, ये स्टैंड लगाने की जगह है यहाँ पे। सो गाइस जिस भाई ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ जाके चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और साइकिल का प्राइस है 22,000 रुपये, 25,000 रुपये, और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप साइकिल बुक कर सकते हो। बुकिंग करने के लिए आपको कम से कम 10,000 रुपये एडवांस करने पड़ेंगे ताकि हम आपकी बहुत अच्छी साइकिल बना सकें, और फिर आपको 10-15 दिन के बाद आपको साइकिल मिल जाएगी। पूरी वीडियो देखना और अगला पार्ट भी देखना ज़रूर। सो गाइस देख सकते हो आप सभी, साइकिल हमारी आधी रेडी हो चुकी है, अगले वाला टायर लग चुका है अपना। सो गाइस आप सभी देख सकते हो पिछले वाले ब्रेक लग चुके हैं अपने, ब्रेक का पाइप भी लग चुका है। सो गाइस आप सभी देख सकते हो हमारी आधी साइकिल रेडी हो चुकी है, और अगली वीडियो दूसरे पार्ट में आएगी पूरी साइकिल की, वो आप ज़रूर देखना, वो लाइक करो शेयर करो, थैंक यू सो मच।